पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की पोल खोलने में जुटे हैं। कैप्टन ने इस बार ऐसे ऐसी बातों का खुलासा किया है जो कांग्रेस को चुनाव में हराने के लिए काफी है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा। इस बार तो उन्होंने सोनिया गांधी पर ऐसे आरोप लगाए जिस पर कांग्रेस में बवाल मच सकता है। दरअसल पंजाब में रेत माफियाओं को लेकर घमासान मचा हुआ है। ईडी की कार्रवाई के बाद सवालों के घेरे में सीएम चन्नी भी हैं। अब कैप्टन ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने 40 से ज्यादा रेत माफियाओं की लिस्ट सौंपी थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया। कैप्टन ने कहा कि अगर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करता तो पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाती। इसके अलावा पूर्व सीएम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें बच्चा करार दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल को नेता राजनेता के रूप में तैयार करने की जरूरत है। दरअसल कैप्टन ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कैप्टन पीएम मोदी के इशारों पर पंजाब में काम कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए अमरिंदर सिंह ने इस आरोप को भी खारिज किया कि उन्हें पंजाब के सीएम रहते हुए पीएम मोदी से आदेश मिलता था। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि मैंने केंद्र सरकार के निर्देश पर काम किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वो पीएम के आभारी हैं क्योंकि पंजाब के लिए मेरी मांगों को पूरा किया। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस की हालत ऐसी है कि इस बार 20 सीट भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। कांग्रेस में मुर्गों वाली लड़ाई छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। ऐसे में कैप्टन जिस तरह चुनाव से पहले अपनी पुरानी पार्टी का काला चिट्ठा जनता के सामने उजागर कर रहे हैं, इससे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।